जैसा जैसा व्यक्ति का स्वभाव, जैसे जैसे कर्म के प्रभाव, मन के संस्कार, वैसा वैसा व्यक्ति का कर्म। अब जरा विचार करिए, अगर आपके हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाए तो आप एक सज्जन व्यक्ति होंगे, तो आपसे एक व्यक्ति को उसकी ओर इंगित करने में भी, बंदूक रखने में भी बड़ा डर लगेगा। हाथ कांपेंगे, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा लेकिन ये नहीं उठा सकता, हाँ या ना। लेकिन एक व्यक्ति है जिसको लोगों को मारने में बिल्कुल भी दुख नहीं होता, प्राण ले लेता है लोगों को, ऐसे समझे एक चोर है, लोगों को लूट लेता है, रात्रि में धन हड़प लेता है, धन के लिए लोगों को मार देता है, इंसानियत को मार देता है। और एक डॉक्टर है, उसके हाथ में भी छुरी है, वो लोगों को जीवन दान दे देता है, बचा लेता है, प्रवृत्ति देखो। लेकिन डॉक्टर से कोई कहे कि आपका धंधा बुरा है, आप तो चोर होने चाहिए, वो कितना पैसा कमा लेता है लोगों को मारकर, तो क्या डॉक्टर उस चीज को अपना लेगा? उसका स्वभाव नहीं है। क्या वो चोर कोई कहे कि तुम बुरा काम कर रहे हो, तुम्हें तो लोगों को बचाना चाहिए, उसकी समझ आएगी? हाँ, संभावना अवश्य है अपने आप को बदलने की, लेकिन व्यक्ति के कर्म ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, उसके विचार ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप सोचते कैसा है। आप सोचेंगे जैसा, वैसा आपका कार्य होगा, और जैसा आपका कार्य होगा वैसे ही आपके प्रारब्ध और भाग्य बनेंगे। एक चोर को भी चोरी करना बहुत अच्छा लगता है, अगर उसे पता, आप चाहे कितना भी कहीं नरक में जाओगे, ऐसा जाओगे, अगर उसे थोड़ा भी डर होता तो वो ये चोरी और गलत कार्य करे नहीं, लेकिन उसको वही सबसे अच्छा धंधा लगता है, वो वही कर रहा है, क्योंकि उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में वो गुण बैठ चुके हैं, अवगुण बैठ चुके हैं। व्यक्ति जब अच्छा संग करता है, अच्छे विचार आते हैं, तो संभावना है गलत को भी बदलने की। और कितने लोग बदले हैं, अवगुणी भी बदल जाते हैं। संभावना है इस शरीर में, इस मन में, लेकिन संभावना के लिए आवश्यकता भी है। अब दुर्योधन था, भगवान जाकर शांति दूत बनकर गए, कहा युद्ध मत करो, तो प्रभु से कहता है कि आप मुझे क्या सिखाएंगे? जिस अर्जुन को आप सिखा पढ़ा रहे हैं, वो हम और दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, मैं धर्म को बहुत भली भांति समझता हूँ, आप मुझे ना समझाएं, पर मेरा मन नहीं लगता उसमें, और तुम मुझे प्रवचन मत सुनाओ। क्यों? क्योंकि मैं बदलना नहीं चाहता, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहना चाहता हूं, मैं सब जानता हूं सही बुरा क्या है, लेकिन मेरा मन सही में नहीं है, इसलिए केशव मुझे ना समझाओ। तो व्यक्ति का स्वभाव के जानते हुए कि ये सब गलत है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा उस गलत में ही बनी हुई है, क्योंकि दोष कहां है? व्यक्ति के स्वभाव में है। दोष कहां है? व्यक्ति के विचारों में है। और आप देखिए, सारे जितने भी लोग हैं, सबके भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभाव, भिन्न भिन्न प्रकार की पात्रता। अब यहां से कथा चल रही है, वाणी एक जैसी है, लेकिन हजार लोग हजार तरीके से समझ रहे होंगे, जरूरी नहीं सब एक समान समझेंगे। एक दिन बताया था ना कि परमात्मा तो बिल्कुल सब में एक समान है, हम सबके अंदर है, प्रभु ने झूठ नहीं कहा, गीता में भी कहा, वेदों में भी कहा जाता है, ईश्वरस्य सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सब में एक समान है, मेरे में, आप में, सब में। लेकिन ईश्वर का कार्य क्या है? मात्र चेतनता आपको जीवन दान देना, बाकी सारी स्वतंत्रता आपको छोड़ रखी, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा खुद भोगेंगे। ऐसे समझे, जो करंट होता है वो एक समान होता है ना, उसका कोई रंग रूप नहीं होता। अगर वो इस माइक्रोफोन को मिला तो इससे आवाज निकल रही है, आप सुन पा रहे हैं, लाइट को मिला तो रोशनी हो रही है। वही करंट यदि किसी फ्रिज को मिल गया
तो ठंडा ठंडा पानी हो रहा है, और वही करंट किसी गीजर को मिल गया तो गर्म पानी हो गया। अच्छा तो करंट की गलती है? बोले नहीं नहीं भैया, वो जो मशीनरी है ना, जैसे फ्रिज की हो गई, गीजर की हो गई, उनमें बदलाव था। फ्रिज वाले में ऐसी तकनीक थी कि वो ठंडा पानी कर रहा था, और गीजर वाले में ऐसी तकनीक फिट थी महाराज, ऐसी मशीनरी फिट थी कि उसमें गर्म पानी हो रहा था। तो ठीक वैसा ही परमात्मा का करंट तो एक समान सब में बह रहा है, लेकिन व्यक्ति के मन के विचारों की मशीनरी ने क्या काम किया महाराज, कि वैसा ही व्यक्ति का कार्य बदल गए, स्वभाव बदल गए, चरित्र बदल गए। इसलिए हम दोष प्रभु को नहीं दे सकते, उन्होंने स्वतंत्रता दी है कि आपके ऊपर है, आप अपनी बुद्धि से निर्णय करें आपको क्या करना चाहिए। आपने जहां कर्म कर दिया वहां आप भोगोगे ही भोगोगे। इसलिए शास्त्र कहते हैं हमेशा बुद्धि से अच्छे कार्य करिए, लेकिन ये बुद्धि अच्छे कार्य के लिए सोचेगी कब? तब कहा सज्जनों का सत्संग करिए, सत्संग करिए। सत माने सत्यता का, सत्य माने आपको एक दिन बताया था ना, सत माने सनातन, सनातन माने जिसका ना कभी आरंभ है ना कभी अंत है, और वो है परमात्मा यानी भगवान का संग। और भगवान का संग कहाँ मिलेगा? बोले भैया अच्छे सज्जनों के पास मिलेगा, संतों के पास मिलेगा, भक्तों के पास मिलेगा। तो यहां अब बुद्धि हमारे निर्णय कर ली महाराज, ये बुद्धि मान लेती है तो प्रेम हो जाता है, ये दिल भी मान लेता है। अब हम मान लें बुद्धि से कि यही हमारा सब कुछ है, तो फिर देखो महाराज प्रेम भी होने लगता है, हाँ या नहीं? ऐसे समझे, बहुत अच्छे से समझेंगे एक उदाहरण में कि माताओं बहनें होती हैं, जब पिता के घर में होती विवाह से पूर्व, तो पिता का घर ही उनका घर होता है। कोई उनसे उनका पूछे भाई बेटी तुम्हारा एड्रेस क्या है, या तुम्हारा एड्रेस क्या है, क्या पता है, तो बेटी अपने पिता का ही पता बताती है, ये मेरे पिताजी, ये हमारा घर है। ये नहीं कहती कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे पिता का घर है। नहीं, वो पिता का घर ही उसका है, लेकिन जब विवाह होता है तो एड्रेस बदल जाते हैं, सरनेम बदल जाता है। विवाह के बाद एक घंटे के अंदर कोई दूल्हा आए पूरी बारात को लेकर के, एक घंटे में विवाह किया, तुरंत बुद्धि ने कह दिया कि अब पिता का घर नहीं, अब इसका घर मेरा घर है। बुद्धि निर्णय कर दिया, बुद्धि ने समझ लिया कि यही अब सब कुछ है, तो फिर एक मिनट के अंदर 25 साल का प्रेम छूट जाता है, हाँ या ना? छूटता है, क्यों छूटता है? क्योंकि बुद्धि निर्णय कर लेती है, बुद्धि स्वीकार कर लेती कि हाँ अब यही मेरा है। अब चार दिन बाद उस दूल्हे के यहां पर चोरी हो जाए, वो तो हो ही सकती है महाराज, कहीं भी चोरों की कोई कमी थोड़ी ना है, वहां चोरी हो जाए तो क्या होगा? अब सब घर वाले रो रहे हैं, हमारा सब कुछ चला गया, सब बर्बाद हो गए। वहां वो कन्या भी रो रही होती है, उससे कोई पूछे कि तू क्यों दुखी है, तुझे तो चार दिन नहीं हुए आए हुए, तू क्यों दुखी है? बोले मेरे घर में चोरी हो गई है, ये सब क्यों हुआ? जबकि कोई कहे तेरा घर तो पिता का घर है, तू 25 साल वहां रही है, यहाँ क्या तेरा घर है, ये रो रहे इनको रोने तो तू क्यों दुखी है? तो वो कहेगी नहीं नहीं ये मेरा ही घर है, क्योंकि उसकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया है कि ये मेरा है। उसी प्रकार बुद्धि जब स्वीकार कर लेती है हरि ही मेरे हैं, तो फिर महाराज वहां प्रेम का जन्म हो जाता है। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।